अगर आप अपने मन को वश में नहीं रखेंगे तो आपका मन दुश्मन की तरह काम करने लगेगा और आप गलत राह में चले जाओगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है, क्योंकि सम्मान कमाने में जिंदगी में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है और यदि वह एक क्षण में नष्ट हो जाए तो ऐसा मानो कलेजा शरीर से निकलकर हाथ में आ गया हो। कह सकते हैं आप खुद अपने मित्र हो और अपना ही दुश्मन। मनुष्य के अंदर जो आत्मा होती है ना, उसे न तो कोई औजार काट सकता है, न आग जला सकता है, न पानी गला सकती है और न ही वायु से सुखाया जा सकता है। सज्जन लोग अच्छे आचरण वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, वहीं नीच लोग गंदे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो उस प्रकृति को छोड़ना नहीं चाहता। हर व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसका नजरिया सही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है। वे ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं है जो आपके लिए अलग हो और मेरे लिए अलग हो। कोई इस समय को यूज करके महान बन जाता है और किसी का सपना बन के रह जाता है। नरक तीन चीजों से नफरत करती है, वासना, क्रोध और लाभ। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, तब जो दुख से मुक्ति मिलती है ना, कह सकते हैं वही जो विष के समान होता था परंतु आज अमृत जैसा बन गया है। इसी तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत मिलती है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने बुरा काम नहीं किया हो। अगर आज तक नहीं किया है तो फिर आने वाला कल में जरूर करेगा। अगर आप अपना लक्ष्य पाने के लिए नाकामयाब होते हैं तो आप अपना रास्ता बदलिए, न कि अपना लक्ष्य। यदि आपका मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे भी वश में किया जा सकता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसी सोच जिस व्यक्ति के बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। हेलो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।